देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं, कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर याद रख पाए तो बहुत अच्छा है, पर करने का तरीका सीखिए। इफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय 144 माइनस वाई स्क्वायर बाय 81 इक्वल टू 1 बाय 25 आर कॉइंसाइड, देन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। अब समझिएगा, जो एलिप्स का फोकस है, एलिप्स अगर देखें तो ऐसा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन लिखे हैं अगर हम ध्यान दें तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब अगर आप नोटिस करें तो सबसे पहली छोटी एक बात होती है जो मैं आपको समझाऊं, इसको लॉजिक से कर रहा होता मैं, कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की फॉर्म है, यानी ये होरिजेंटल हाइपरबोला है जिसकी फोकाई ये होंगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी फोकाई और इलिप्स की फोकाई सेम हो, तो ये जब भी हो सकता है जब इलिप्स भी होरिजेंटल हो, और ओरिजेंटल इलिप्स की ब्यूटी ये होती है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, यानी बी स्क्वायर की जो भी वैल्यू होगी वो 25 से कम होनी चाहिए। अब देखिए ये 25 है नहीं हो सकती, ये 64 है नहीं हो सकती, ये 49 है नहीं हो सकती, तो आपके पास इमीडिएटली आंसर आ गया 16, यानी बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 16 है। तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। अब मैं आपको करके बता रहा हूं, ये तो मैंने आपको बताया लॉजिकल तरीके से, जो मेरा तरीका है पढ़ाने का वो ये है कि आप कैसे लॉजिकल तरीके से सीखे, पढ़ तो लेते हैं हम, पर हमें अगर लॉजिक्स अप्रोच टेक्निक्स ये सब क्लियर होंगी तो क्वेश्चन स्पीड में होगा। अब बात आती है कि ये कैसे देखा, अगर मैं इसको इसेंट्रिसिटी के टर्म में बोलूं तो ये ऐसा होगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यानी 1 माइनस 16 बाय 25, यानी आप बोल सकते हो 3/5। फोकाई होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, तो आप बोलते हैं प्लस माइनस ए इज 5 इज 3/5 कॉमा 0, यानी 3, 0 प्लस माइनस का, यही फोकाई इसकी भी आएंगी। और याद रखिए इस 25 से फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, केवल आपको इतना करना है कि ये 25 को आप ऐसे लिखते एक्स स्क्वायर अपॉन 144 बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81 बाय 25 इक्वल टू 1, और इसकी सेंट्रिसिटी जब निकालते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 81 अपॉन 144 यानी ये 225 हो जाता, तो 15/12 यानी 3 से कैंसिल कर देते तो 5/4। इसका फोकाई भी प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 होता है, तो देखिए प्लस माइनस ए इसका कर लीजिए 12/5, ये हो गया 5/4 कॉमा 0, कैंसिल होके प्लस माइनस 3, 0। अब आपने इतनी मेहनत से क्वेश्चन किया, ये भी मैंने बहुत सारी स्टेप को सेव किया जब जाके हुआ, अदरवाइज में स्टेप और बढ़ जाती, पर इसी क्वेश्चन को अगर आपने लॉजिकल तरीके से पढ़ा था तो इसके ए स्क्वायर को बड़ा देख के समझ में आ गया था ओरिजेंटल इलिप्स हाइपरबोला है, तो इलिप्स भी ओरिजेंटल होगा जब भी फोकाई कॉन्साइड करेंगे, इसका मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 25 श्योर थी। अब क्योंकि अब एग्जाम का क्वेश्चन है, लेस देन 25 एक ही ऑप्शन था, आप बहुत इजीली इसको बता सकते थे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।